शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
बात है, बड़े खोए खोए से हो, बताओ ना अमित, क्या बात है? प्लीज बताओ ना मुझे। बताने की बात हो तो बताई भी जाए स्वीटी, पर यहाँ बात बताने की नहीं, महसूस करने की। लेकिन आज मैं उसे बता कर रहूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ स्वीटी, आज मैं उसे बता कर रहूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। बेचारा अमित, पता नहीं इसका क्या होगा। मुझे यकीन था कि रानी पिछली बातों को भूलकर मुझे माफ कर देगी और मुझसे मिलने जरूर आएगी। रानी। हाँ बोलो। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मैं तो सोच रहा था कि तुम शायद नहीं आओगी। मैं क्यों नहीं आऊंगी, तुम बुलाओ मैं ना आऊं? मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? बिल्कुल माफ कर दिया। तो ये लो फिर, मेरी तरफ से प्यार भरा ये तोहफा। क्या हो रहा है ठकुराइन, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छे है। सुनिए जी। सुनाइए। ऐसा कीजिए, रानी को शहर से बुलवाई लीजिए। अब कितना पढ़ेगी लिखेगी वो, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, क्या भरोसा कब क्या हो जाए। अरे रानी अभी पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई बाकी है अभी। अरे गोली मारो पढ़ाई लिखाई को, मैं चाहती हूँ पिता के हाथ पीले कर दो। अब इस बीमारी का तो कोई ठीक नहीं, पता नहीं कब क्या मेरे साथ हो जाए। मरने से पहले बिटिया की शादी करवा दो तो मन को शांति मिले, यही चाहती हूँ मैं। ठकुराइन आप खामखा परेशान हो रही है, मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तूने अमित को थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया रानी, तो फिर ऐसा क्यों किया उसके साथ? हाँ, मैंने अच्छा नहीं किया उसके साथ। पता है वो तुझसे कितना प्यार करता है, तुझ पे जान छिड़कता है वो, लेकिन मुझे उसका स्वीटी के साथ घुटना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। बुन बुन रही थी मैं
कर दे मिलनवा हमार राम सयम कर दे का छबीले भैया सुबह सुबह हमका भिगाई दिए लागत सुई गए एक तीन पांच आठ ये लात काहे मारत हो भैया अब भूतनी के ढक्कन के तू क्या समझ रहा था कि मैं सो गया हूँ अब तू नहीं जानता मेरे को मेरा नाम है छबीला मैं सोते समय भी कुत्तों की तरह जागता रहता हूँ समझा तू और सोते समय भी मुझे उड़ते चुड़ियों की पर गिरने की आदत है समझा ऐसे समझ गए भैया भूल ही गई नाम है मेरा छबीला खाली करवा दूंगा तेरा तबेला अगर आज के बाद तूने घपला करने की कोशिश की
माफ कर दो भैया, अब फिर जयराम जी के लुच्चा कहीं का। ए गंगा मैया तो प्यारे चढ़ाई, सुबह सुबह तू इतनी बनठन के कहाँ जा रही मेरी जान मेरी रानी। देख छबीला, तेरे को इससे क्या लेना है, मैं कहीं भी जाऊँ जब देखो रास्ते में खड़े हो जाते हैं, मुझे टोकता रहता है। ऐसा मत बोल मेरी जान, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। हाय रे मेरे छेल छबीले, तुम उसे इतना प्यार करता है और मुझे पता भी नहीं था। तू मेरा एक काम करेगा? अरे तू एक काम बोलती है, मैं तेरे 100 काम करूंगा मेरी जान। तू एक बार बोल के तू देखना, करके दिखाऊंगा, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। 100 काम नहीं करने हैं मेरे लल्लू, तुझे तो मेरे साथ एक काम करना होगा। तू मेरे लिए आकाश से तारे तोड़ कर ला दे, फिर समझ ले मैं तेरी। क्यों ठीक है ना मेरे लल्लू? अरे क्या कहा ठीक है, आकाश में जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है और मेरे पास सीढ़ी नहीं, डंडा है डंडा, उसका क्या फायदा? डंडा तो है ना, तो फिर एक काम कर, उस डंडे की सीढ़ी बनवा ले, फिर मुझसे प्यार की बातें करना, समझ गया? अच्छा एक बात मानेगी मेरी, देखना शादी की बात सुन के मेरा दिल धक 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 कर रहा है। अच्छा मेरे लल्लू, तो तेरा दिल धक धक भी करता है? एक बार इधर हाथ रखना, देखना कैसा कर रहा है। हाँ रे धक धक तो कर रहा है। कर रहा तो आ जा भैया, बातें करते आया। अरे मेरी रानी आया, बुद्धू कहीं का अब कैसी तबीयत इनकी? वैसे मेरे ख्याल से ठाकुर साहब, अगर इनका इलाज यहाँ के बजाय शहर में किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आर्थोपेडिक डॉक्टर मेहता मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके नाम एक पत्र लिख देता हूँ। जी डॉक्टर साहब। रंगीला। जी ठाकुर साहब। डॉक्टर साहब के साथ जाओ। अच्छा जी चलिए। चिंता मत करिएगा, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। अब यही वक्त है शतरंज बिछाने का। हाँ भैया, वो जल्दी ना अपनी उंगली, देखता उधर है काम इधर करता है। देख ले, देखा चोट लग गई ना, जब देखो उल्टा सीधा काम करता रहता है ना। देख इधर देख, बड़ा मजा आ रहा है क्या? बहुत मजा आ रहा है। चल बेशरम कहीं का। तू छूती है ना तो मेरे बदन में एक बिजली सी दौड़ जाती है, सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक, यहाँ से यहाँ तक। चल छूटा कहीं का। बहुत बड़ा मजा आ रहा था ना, तू भी चूसना। चल हट। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि चोट लगने के बाद उंगली चुसाने में इतना मजा आता है। चलो रंगीला। फिर मौली आ रहे हैं। अरे ओ रंगीला। रंगीला। जी ठाकुर साहब। ये बता तू कल हवेली में क्यों नहीं आया? कल मैं काली पहाड़ी पे गया हुआ था। तुझे मालूम है ना रंगीला कि मालकिन की तबीयत ठीक नहीं। मालकिन के लिए भभूति लेने गया था ठाकुर साहब। भभूति? हाँ ठाकुर साहब, वहाँ पे जो तांत्रिक बाबा रहते हैं ना, उनकी भभूति से ना सब लोग ठीक हो जाते हैं, तो मैं मालकिन के लिए ना भभूति लेके आया। ये सब बकवास बातें, जब कीमती से कीमती दवाइयाँ और बड़े से बड़ा डॉक्टर कुछ नहीं कर सका तो ये तांत्रिक क्या करेगा? तुम जाके अपना काम करो और इन सब बातों से दूर रहो, जाओ। ठीक है साहब। ओम भीम भीम चमुदाय चाय, ओम भीम भीम चमुदाय चाय, नमः जय शमशान आदि कुमार, ओम नमः जय शतानी कुमार, नहीं पिशाचनी कपालनी चंडालनी चंडालनी, ओम भीम भीम चमुदाय चाय, ओम भीम भीम चमुदाय चाय।
छबीला। जी मालकिन। तो गांव जाने के लिए कह रहा था ना? पहले आप ठीक हो जाइए मालकिन। अरे पगली, मेरी बीमारी तो एक नासूर बन चुकी है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया छबीला। जी मालकिन। मेरी बात मान ले। जी कहिए। तू गांव चला जा। कई बार वहां से चिट्ठी आ चुकी है, तू जा मिल अपने माँ बाप से। अच्छा मालकिन। प्रणाम मालकिन। छबीला। हाँ जी कहिए। छबीले को भेज देना, दवा दे देगी। ठीक है मालकिन। जा तू अभी। प्रणाम। से क्या फायदा, ऊपर वाले से दुआ करो कि तुम्हारी मां की आत्मा को शांति प्रदान करे। चुप हो जा मेरी बच्ची। आ मेरे पास आ। जा बेटी जा, तेरी मामी। जा बेटी, अपनी मामी के पास जा। जा बेटी। मामी, मामी जी, तुम कर मत कर। आज तेरी सब जिम्मेदारी मेरी है, तू बिल्कुल फिक्र मत कर मेरी बच्ची। मैं अकेली हो गई हूँ, बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। पापा भी बहुत बहुत अकेले हो गए हैं। तुम्हारे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता माँ। बेटे तेरी माँ हवेली में गोटियां बिछा रही है। गोटियां? हम दोनों ने मिलकर
एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया है माला माल होने के लिए। माला माल लगता है फिर बुड्ढा करेगा कोई कमाल। इधर ला, कान इधर ला, अरे इधर ला माँ। जेल से नहीं लंदन की। क्या क्या बात है डर, देखना मैं कैसी एक्टिंग करता हूँ। बेटा मुझे तुझसे ये उम्मीद थी यार, देख मैं तेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आया हूँ। कपड़े क्या ये सब मेरे लिए है? लंदन से? लंदन से आया है, मैं तुझे एयरपोर्ट से लेकर आया हूँ। वाह डैड क्या प्लान तैयार किया है। देखता जा बेटे आगे आगे होता है क्या। ऐसा क्या चलो डैड मेरा बेटा आजा, लेट्स मूव। देख बेटा देख सवेली को, अपने फूफा के अवेली को देख, एक दिन तू इसका मालिक बनेगा। देख इस मूर्ति को, बहुत कीमती है ये। आजा आजा आजा। क्या अवेली है। अरे बसंती देख तेरा बेटा आया है, द्वादेश को आशीर्वाद दे। तुझे लंदन में अपनी माँ की बिल्कुल याद नहीं आती थी? हाँ बहुत याद आती। भाई साहब जय, बचपन में देखा था आपने इसे। हाय पॉप, आई वांट फूफा जी। बेटे बेटे, अरे बेटे इधर भी देख, ये तेरी होने वाली, मेरा मतलब है तेरे फूफा की इकलौती बेटी रानी। शक्ल से तो लुटेरा लगता है। रानी बेटे तेरा मुंह बोला भाई। जय हाय। हेलो जय। हाउ ब्यूटीफुल। चल बेटे मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। इसे कमरा दिखा दो। चल आजा बेटा, तुझे तेरा कमरा दिखा दूंगा। लगता आज हमारी बिटिया का मूड खराब है। पापा देखो ना रंगीला को, जब भी देखो सिर्फ खाने की ही बात करता रहता है। आज मैंने उसे डांट दिया। बहुत अच्छा किया बेटे। अरे बिटिया मुझसे कहो, मैं तुम्हें बनाकर खिलाता हूँ। मुझे भूख नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा बेटी खाने की बात छोड़ो, एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? अरे भाई साहब क्यों नहीं अच्छा लगेगा, हम लोग जो है इसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाने के लिए इसी मामा है, और दिल बहलाने के लिए अपना जय है। जय पे याद आया कि जय आजकल दिखाई नहीं दे रहा, वो है कहाँ आजकल? वो क्या है जिया जी, आजकल वो शहर जाता है पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ाई तो करनी चाहिए। अच्छा पापा मैं अपने कमरे में जाती हूँ। जाओ बेटे जाओ, आराम करो। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। देखते देखते कितनी बड़ी हो गई मेरी बेटी। जय मैं आ गई। ओ रानी तुम मेरे ख्यालों की मलिका। ओ रानी
काफी हो चुकी है, आप लोग भी सो जाइए। क्या बात है बेटी? पापा, हमारे कमरे में भूत है पापा। भूत? पापा मुझे मार डालेगा पापा, वो मुझे मार डालेगा पापा। लगता है बच्ची डर गई है चाची। नहीं बेटे, मार डालेगा पापा। घबराओ मत बेटे। आखिर ये माजरा क्या है? मेरे पास जरूर आएगा ठाकुर, क्योंकि तेरी हवेली में शैतानों का वास है, उनसे मुक्ति चाहिए तुझे। मुक्ति मिलेगी मुक्ति हो। ले ठाकुर, ले इसे अमावस की रात अपनी हवेली की पिछवाड़े जाकर डाल देना, शैतानों से मुक्ति मिलेगी तुझे। और ये भी ले मेरा सिंह, जब तक इतने गले में रहेगा तब तक मेरा शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों ठाकुर, और भी तुझे कोई कष्ट है तो बता, बता मुझे, उसका भी निवारण करूंगा। बोल ठाकुर। और कोई कष्ट नहीं बाबा। तो जा बच्चा, कल्याण हो। जा बच्चा, माँ काली तेरा सम्मान करेगी, कल्याण हो तेरा। जा जय काली। जैसे बाबा ने कहा था, मां उसकी रात हवेली के पीछे ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक जगह है। मैं इसे यहीं गाड़ देता हूं। Thank you.
अरे कौन हो भाई, कहां घुसे चले आ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम, बोलो ना। देखिए मैं ठाकुर साहब से मिलने आया हूँ, मेरा नाम अमित है, मैं शहर से आया हूँ। भाई ठाकुर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, चलो बाहर जाओ। देखिए प्लीज मैं उनसे मिलकर चला जाऊंगा, बस एक बार मिल लेने दीजिए मुझे। अरे आने दो इसे, हमसे मिलने आया कोई खास बात होगी। जी नमस्ते, मैं अमित हूँ, रानी का दोस्त हूँ मैं। बैठो बैठो। थैंक यू। दरअसल रानी ने कभी तुम्हारे बारे में कुछ हमें बताया? रानी बेटे कहो कैसे आना हुआ? जी दरअसल वो रानी का पत्र आया था मेरे पास, इसीलिए मैं मिलने के लिए चला आया। बेटे शायद आपको कुछ मालूम नहीं, रानी की माँ का देहांत हो चुका है, इसलिए वो बेचारी अकेली रह गई है। शायद अपने दुखों को बांटने के लिए तुम्हें पत्र लिखा होगा। हेलो अमित। हाय रानी, कैसी हो? अच्छी हो ना? मैं ठीक हूँ। बेटी अमित के रहने का इंतजाम करो। इंतजाम तो मैं इसका करूंगा, वो भी ऐसा कि ये जिंदगी भर के लिए याद रखेगा जय ठाकुर को। सीधा शमशान घाट तक पहुंचाऊंगा मैं, शमशान घाट तक, याद रखना। मीठी बातें तेरी उससे ये बरसात, आजा जब भी पाले, आजा।
नमस्ते ठाकुर साहब, मुझे पता है आपको एक नौकरानी की तलाश है जो छबीली की तरह सारे काम कर सके, क्यों है ना? ये छबीली को कैसे जानती है? जरूर रंगीला ने बताया होगा। क्या सोचने लगे ठाकुर साहब, एक बार मुझे छबीली की जगह रखकर तो देखिए, आप उसे भूल जाएंगे। हाँ, मेरी जरूरत हो तो रंगीला से कहलवा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ये दोनों मुए कौन है? हेलो ये दो कबूतर कहाँ से आ गए? हम हैं प्राइवेट डाकू, ये है नरमचंद और मैं हूँ गरमचंद। तो आपके यहाँ ने क्या मतलब? तो हम नहीं जाना चाहेंगे और न पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन आप किस सिलसिले में आए? सिलसिला तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले अपना परिचय देंगे। बिल्कुल ठाकुर साहब, पहले नमस्ते। बेवकूफ लगते हैं। ठाकुर साहब, हम दोनों हैं पेशेवर प्राइवेट जासूस यानी डिटेक्टिव। तो आप लोग इस गांव में जासूसी करने आए हैं? आप फीस भी पूछेंगे? उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, पहली बात तो हमने आप लोगों को बुलाया नहीं, और दूसरी बात यह है कि ठाकुर साहब, दूसरी बात भी कहिए आप, दूसरी नहीं तीसरी भी कहिए, चौथी भी कहिए, पांचवी भी कहिए। आप दोनों की भलाई इसी में है कि आप दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाइए। चलो। थैंक यू ठाकुर साहब, फिर आएंगे। लू कपट है मैं जो छोड़ी जाए। सलाद जाने की तैयारी में और जिसके नाम लिख देता हूँ मौत। अमित, तुम जा रहे हो? हाँ रानी। इतनी जल्दी? आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, आज मुझे जाना ही होगा। हमसे मिले बगैर? अरे पगली, मैं तुम्हारे पास ही तो आ रहा था। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी रानी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सच तो यह है कि मैं भी अब तुमसे दूर नहीं रह सकता रानी। मैं भी जल्दी से तुमसे शादी करना चाहता हूं, और मुझे भरोसा है कि मेरे घर वाले भी इनकार नहीं करेंगे। मैं इंतजार करूंगी। आई लव यू रानी, आई लव यू, आई किल यू। बाय, चलता हूं। बाय रानी। अरे अरे भाई जय, तुम यहाँ? और ये सब, ये डंडे वंडे, ये क्या है? देख तमाशा लकड़ी का, क्योंकि लकड़ी ही तेरी चिता पर रखने के काम आएगी, और उससे पहले तेरी खातिरदारी की जाएगी। अरे भाई, इस खातिरदारी की क्या जरूरत? जरूरत है क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं रानी से कितना प्यार करता हूँ, और हा? और तूने मेरे प्यार पर दाखा डाला है, और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा?
चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो उठाओ जल्दी 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 जल्दी। अरे संभाल के, अबे नरम संभाल के। बहुत भारी है, बहुत भारी। देखिए चोट बहुत लगी है और इलाज के पैसे भी। डॉक्टर साहब आपके होते हुए हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, ठीक हो जाएगा। ये गरम मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए लाइए, अंदर लाइए, आइए। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना? आप लोग बाहर जाइए, हमें इलाज करने दीजिए। ओके ओके ठीक, चलो नरम चंद, हमने इसको बचा तो लिया, अब इसके घर का पता भी तो लगाना है। अरे हम जासूस हैं, गतियारे थोड़ी है। मतलब अरे सीधी सी बात है यार, मतलब मेरे से पहले ही तुमने मौका पाके उसकी जेब से पता निकाल लिया क्या? हा? तो चलो। अरे चलो, बेबी बेबी आपका वो बॉयफ्रेंड अमित है ना, मुझे पता है कि वो क्या हुआ उसे? वो हॉस्पिटल में है, उसको गुर्दे में बहुत बुरी तरह से मारा है, आपको याद कर रहा है। सोचिए मत, जल्दी चलिए आप, जल्दी आइए आइए। अमित
अमित अब कैसे हो? बस बस लेटे रहो, डॉक्टर ने लेटे रहने को कहा है। रानी तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। अभी तो मैं जवान हूँ। अरे मामा जी इतने बंधन का कहाँ चले? ओहो बेटी तोक दिया ना। अरे मैं तो जा रहा था पड़ोस के गांव में पंडित से तेरी शादी की तारीख निकलवाने। हाँ जल्दी शादी करी ना तेरी। मामा जी मेरी शादी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटी तू नहीं समझेगी। अरे तेरी शादी जय के साथ करवाने के लिए मैं जिंदा हूँ। हाँ बस मैं यूं गया और यूं आया। मगर अच्छा मामा जी, मेरी शादी जय के साथ? अमित भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो गए। चलो घर चलते हैं। नहीं रानी घर जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। कैसी सच्चाई अमित बोलो। तुम्हें मालूम है मेरा यह हाल किसने किया? किसने? तुम्हारे डैडी ने। ये तुम क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता अमित। क्यों नहीं हो सकता रानी? आखिर तुम ही बताओ जैसे मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा तो ये बात है। अब मैं समझी कि जय ने तुम पे हमला क्यों करवाया। दरअसल मामा जी चाहते हैं कि मैं जय से शादी कर लूं और जय जानता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अमित, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो ठीक है। आइडिया बसंती क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? ये हवेली अपनी कैसे होगी? तुमने तो मेरे मन की बात जान ली। मैं तो कब से सोच रही थी कि कब वो दिन आए जब मैं इस हवेली की मालकिन बनूं। लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? वो लड़का अमित है ना, रानी को बहुत प्यार करता है। अरे तू इसकी चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। तो हाय रानी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? निकलो यहाँ से। आज मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ मेरी रानी। मैं छोड़ूंगा। जय छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हैं? कहाँ जाएगी? ये आवाज कैसी है? रानी की आवाज लगती है। अपना जय भी लगता है। चलो देखते हैं। आजा। तेरी तो अबे मैं कहता हूँ रुक जा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं छोड़ूंगा। Hey
ठाकुर साहब आपको किसी पर शक है? कातिल कौन हो सकता है? नहीं। ये कौन है? मैं रंगीला हूं साहब। क्या ये भी आपकी हवेली में ही काम करता है? जी इंस्पेक्टर साहब। क्या नाम बताया तुमने? जी रंगीला। रंगीला? हाँ। तुम्हें किसी पे शक है? बोलो। हम क्या बताएं साहब? ठाकुर साहब इसके अलावा और कौन कौन है आपकी हवेली में? अभी तो यही है। छबीला नजर नहीं आ रहा। वो अपने गांव गया है। कब गया? ये 4-5 महीने पहले। यानी कि इंफॉर्मेशन सही है, वो गांव गया। ठीक है ठाकुर साहब, अब मैं चलता हूं। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज खबर कीजिएगा। अगर मुझे कोई सुराग मिला तो मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगा। चलता हूँ ठाकुर साहब। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। इत्तला के मुताबिक छबीला गांव में नहीं है। हम वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, तुम लोग इस हवेली पे नजर रखो, मैं चलता हूं। आओ मेरे साथ। मेरे बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा था? कातिल जो कोई भी हो, एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। जीजा जी। हवलदार, जय के केस की फाइल लाओ। लाया सर। सर ये रही फाइल, लीजिए। ये मर्डर कौन कर सकता है? शैतान भी कर सकता है सर। शट अप। हो भी सकता है। 420? जी। तुम छबीले के गांव जाओ जी, और ये पता करो कि छबीला गांव पहुंचा या नहीं। ठीक है सर। जाओ। यस सर। चल। बाबा, इस मुसीबत से छुटकारा आप ही दिला सकते हैं। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा कि अगर ये सब शैतान कर रहा है तो क्यों कर रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा उसका? ये एक राज है ठाकुर, और इस राज का पता लगाना हम तांत्रिकों का काम है। जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करो ठाकुर, वैसा ही। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हें घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं। बाबा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन एक शंका जो मेरे मन में बार बार उठ रही है। ये शंका ही मन का भय होता है, और भय इंसान को मौत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देती है ठाकुर, ले जाकर खड़ा कर देती है। बाबा, लेकिन मन में शंका का होना स्वाभाविक है। इस घटना को भी भुलाया नहीं जा सकता कि एक माँ बाप के सामने उसके बेटे की मौत बेदर्दी से हो और शैतान मारकर कहीं गायब हो जाए। अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ठाकुर। मैंने भैरव देवी की 1000 माला सिद्ध कर दी है। 10,000 सिद्ध होते ही उस शैतान का खात्मा हो जाएगा। ये मेरी सिद्ध की हुई नींबू है, ले जाओ हवेली के पिछवाड़े सुनसान जगहकार को। जो आज्ञा महाराज जी, जो आज्ञा। कल्याण हो, कल्याण। जय काली दिवाली। इस बार इसको यहां काटता हूं। चलो जी, आओ। खोदो जी। खोद तो रहा हूं। लगता है तिजोरी की चाबियां होंगी। हाँ। अगर मिल गई तो रातों रात तिजोरी की सफाई करके निकल चलेंगे। हाँ। वैसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जल्दी खोदो। अरे खोद तो रहा हूं भगवान, क्या निकला? अरे तेरे की खोदा पहाड़ निकला नींबू।
अरे ये नींबू नहीं है, हमारी किस्मत का बम्बू है। अब मैं क्या करूँ बता, क्या करूँ मैं, किधर जाऊँ मैं? अरे भगवान, मेरी किस्मत क्या यही लिखा है क्या है? अब बता मैं क्या करूँ, क्या करूँ? अब इसका क्या करूँ? फेंक दे भगवान, फेंक दे। अरे ये टोटके का नींबू है, हाँ वो मार डालेगा हमको। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं अंदर देख रहा था। कोई ज्यादा ही चालाक बनता है, लगता है इससे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। पकड़ लो इसे और ले चलो पुलिस स्टेशन। यस सर। चलो। मैंने तो चल। मैंने क्या चल किया? अरे अरे साहब सुनिए तो, मैंने क्या किया है? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या नाम बताया तूने अपना? नीला। बोल बोल, खून किसने किया है? मुझे नहीं मालूम। बोल बोल बोल, जल्दी से बता खून किसने किया। मैं इंस्पेक्टर जी सर, जब तक इसकी जुबान ना खुले इसे इसी तरह मारते रहो। यस सर। बोल पता किसने खून किया, बताता है या नहीं? मुझे नहीं मालूम। अबे कैसे नहीं बताएगा, तो बात भी बोलेगा। अच्छा मुंह खोला है, तू किस खेत की मूली है, है? मुझे नहीं मालूम। बेटा तू भी बोलेगा क्या अपने आप? हाँ बोल, बता बता। बेहोश हो गया। चलो। यस सर। आखिर कातिल का पता हम दोनों ने पा ही लिया। हाय ब्यूटी क्वीन, क्या आप बता सकती हैं कि आपकी खूबसूरती और जवानी का राज क्या है? बताइए ना। क्यों, क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल तो ठीक है, लेकिन आप दोनों की नीयत कुछ अच्छी नहीं लगती मुझे। ऐसा नहीं, नेवर माइंड। माफ कीजिएगा मैडम, आपकी अदाओं से लगता है कि आप भी जासूसी का शौक रखती हैं, यानी कि आप भी जासूस हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि हम भी जासूस हैं। ये बात तो अच्छी है मैडम, अगर आप चाहें तो आप हम दोनों को असिस्ट कर सकती हैं। क्यों मैडम, क्या ख्याल है आपका? वैसे हम दोनों आप जैसी खूबसूरत असिस्टेंट ही चाहिए। आपने कुछ कहा नहीं। पर मेरी भी एक शर्त है, असिस्टेंट बनने से पहले आप दोनों को मेरे लिए नाचना गाना होगा। क्यों नहीं, ऐसा गाना सुनाऊंगा कि आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। Why not? तो आप हमारी असिस्टेंट बनेगी ना? कहीं ना आपने क्या डिसाइड किया, बोलिए ना। मुझे देखना होगा, सबसे पहले मैं आप दोनों का गाना सुनूंगी, फिर मैं डिसाइड करूंगी। क्या डिसाइड करोगी ब्यूटी गर्ल? मुझे बेवकूफ समझाया क्या चप्पल गंजू? मैं तुम लोगों की मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। तुम दोनों एक नंबर के मक्कार हो, आवारा हो, न काम के न काज के। नहीं नहीं नहीं, एक नंबर के जोकर हो। Your name? I am Karam Chand. Oh, Karam Chand. But तुम तो एकदम नरम चंद लगता है। आपको नरम पसंद है? I am नरम चंद है। नरम चंद? But तुम तो एकदम गरम चंद लगता है। Okay, no problem. पर इधर क्यों आया? I'm
मान मेरी बात गोरी, चल मेरे साथ गोरी, तेरे लिए आया गोरी, उठ जाएगी अपनी जोड़ी, तेरे लिए आया गोरी, लाया हूँ मैं साथ में लौड़ी, मैं हूँ नरंजा, मैं हूँ गरम जा, मैं हूँ नरम जा, मैं हूँ गरम जा, बात है सर, आज आपको ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर, समझ में नहीं आ रहा कि जय का खून किसने किया और क्यों किया। गुत्थी उलझती जा रही है, कहीं इसके पीछे ठाकुर का हाथ तो नहीं है। सर मुझे भी लगता है ये काम ठाकुर का ही है,
आखिर आखिर कोई सर ऐसा काम क्यों करेगा? नमस्ते सर। नमस्कार, क्या हुआ, छबीले का पता चला? सर छबीला 5 महीने से गांव में नहीं गया। क्या? तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। 420? यस सर। तुम जाओ और हवेली पर कड़ी नजर रखो। ओके सर। देखता हूं कातिल कैसे बचता है। ये इंस्पेक्टर हवेली में अब क्यों आया है? तुम जा तो रहे हो अमित, पर जल्दी लौट आना। बस यूं गया और यूं आया। एक्सक्यूज मी, हवेली में बार बार हादसे हो रहे हैं, कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं, तुम्हें किसी पे शक है? खेल का मजा। हम लोग तो खुद परेशान हैं इंस्पेक्टर साहब, कि ये खून कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। मैं पता लगाऊंगा कौन है इस हवेली का शैतान। कौन है वो? धीरे जाके ठाकुर साहब, हम कातिल को ढूंढ निकालेंगे। कातिल कितना शातिर क्यों ना हो, हमारे हाथ उसकी गर्दन को फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहेंगे। किसी पे शक? शक के बिना पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वैसे तो कातिल मेरी आंखों के सामने है। एनीवे, छबीला वापस आया? अभी तक वो गांव से नहीं लौटा। ठीक है ठाकुर साहब, अब मैं चलता हूं, लेकिन बहुत जल्द कातिल को ढूंढ निकालूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद है। मैं भी देखता हूं इंस्पेक्टर। रानी, अब तो तुम्हारे बिना कहीं दिल ही नहीं लगता। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी हमारी और तुम्हारी शादी हो जाए। बस भगवान हम दोनों की प्रार्थना जरूर सुनेगा अमित। जानते हो रिश्ता कौन बनाता है? जो ऊपर बैठा है ना, नीली छतरी वाला। तुम ठीक कह रही हो, ऊपर वाले का चमत्कार है जो आज हम दोनों यहाँ बैठे प्यार की बातें कर रहे हैं, वरना दुश्मनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हम दोनों को अलग करने में। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना रानी? बिल्कुल सही, लेकिन अब उन बातों को याद करके क्या फायदा, भगवान ने हमारी सुन ली, हमें फिर से मिला दिया। रानी, तुम कितनी प्यारी बातें करती हो। I love you. I love you. I love you too, अमित। मुझसे कभी दूर मत जाना। कभी नहीं रानी। शैतान नहीं हो सकता, पकड़ो इसे और इसके चेहरे से नकाब हटा दो। जाओ जल्दी करो, भागने ना पाए। छबीला, छबीला पकड़ लो इसे। तो फिर बच गया ठाकुर,
इस बात का मुझे अफसोस रहेगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्जिम छबीला हाजिर हो। ये शैतान है, ये खून करता था मेरे को। एक आता पहले बड़े बुला दे ने शॉट लगा था, वो चक्कर दे उतना मारता था। यही काफी है अब, कुछ भी ये शैतान और तो कुछ भी सब। इंस्पेक्टर खान हाजिर हो। जज साहब, ये जो आपके सामने खड़ा मुलजिम है, ये एक नंबर का बदमाश, शातिर, चालाक और इंसान के रूप में शैतान है ये। इसने हवेली में आतंक मचाकर खून करके अपने शैतान होने का सबूत दिया है। इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू ऑनर। योर ऑनर, तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद मैं मुलजिम छबीला से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मुलजिम छबीला, तो तुम ये इकरार करते हो कि हवेली में जितने भी कत्ल हुए हैं उन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है? मैं बेकसूर हूँ जज साहब। मैं तो अपने गांव गया हुआ था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है जज साहब। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। देखिए जज साहब, ये मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ जज साहब, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि अब तुम बच नहीं सकते। आप जो चाहे वो कह सकते वकील साहब, अब आप ही कहिए मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं। देखो, ये नाटक करने की जगह नहीं है, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। योर ऑनर, एक एक सबूत चीख चीख के कह रहा है कि मुजरिम यही है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। मेरे मुवक्किल को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मेरे काबिल दोस्त अच्छी तरह से जानते हैं कि मुलजिम छबीला हवेली में एक वफादार नौकर था ठाकुर साहब का, फिर वो खून क्यों करेगा? और मेरे काबिल दोस्त ये भी जानते हैं कि इस हवेली में इसके साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। मैं छबीला से कुछ सवाल और पूछना चाहता हूँ ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद मैं छबीला से चंद सवाल पूछना चाहता हूँ योर ऑनर। पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बताओ तुम गांव कब गए थे? याद नहीं है। वो याद नहीं, तो ठीक है, ये बताओ कि तुम गांव क्यों गए थे? बोलो। पिताजी से मिलने के लिए। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। तो तुम अपने पिताजी को मिलने गांव गए थे, क्या तुम छबीली को जानते हो? जी, मैं देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं छबीली को जानता था। तो छबीली को कब से जानते थे तुम? यही कोई वो मतलब पहले से जानते थे। अच्छा, छबीली इस वक्त कहाँ है? जी वो छबीला, तुम तो उससे शादी करना चाहते थे, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है। देखो, अगर तुम अदालत को सब कुछ साफ साफ बता दोगे ना, तो हो सकता है कि अदालत तुम्हारे साथ नरमी बरते, और अगर तुम झूठ बोलोगे तो अदालत तुम्हें फांसी की सजा दे सकती है। छबीला, तुम्हें कुछ कहना है? ये क्या बोलेगा, सच्चाई मैं आपको बताता हूं मिलॉर्ड। सच ये है कि ये सारे खून छबीला ने किए हैं, जिसका सबूत मेरे पास है। ये खून इसने ये मुखौटा लगा के किए हैं मिलॉर्ड। इसे पहनकर ये रात को हवेली में घुसता था, सबको डराता था और कत्ल करता था। इसके पीछे इसकी कौन सी मजबूरी है, या ऐसा काम करने के पीछे इसकी कौन सी मंशा है, ये बात तो सिर्फ छबीला ही जानता है। और अदालत को ये बात वही बता सकता है कि ये मुखौटा लगाकर उसने इतने कत्ल क्यों किए, किस लिए किए, ये बात तो सिर्फ छबीला ही बता सकता है। जज साहब, छबीला अगर चाहे तो अपनी सच्चाई को कोर्ट के सामने रखकर अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है। जैसा, मैं एक सीधा साधा गरीब नौकर था, मेरा भगवान जानता है, मेरा भगवान जानता है, जैसा भगवान जानता है कि मुझे नकाब पहनकर खून करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। जैसा, हमारे उसी मालिक की वजह से जिसका मैं नमक खाता था। जैसा, मैं ठाकुर का सबसे वफादार नौकर था, छबीला, छबीला, और मेरी वफादारी को उन्होंने क्या सिला दिया,
या आप जानेंगे तो आप मुझे सजा नहीं उसे देंगे जो शैतान होकर भी भगवान बना बैठा है। भगवान, उस शैतान ने एक नहीं दो दो खून किया है, एक एक मेरा और एक मेरी मोहब्बत का जज्बा। हाँ, मेरी मोहब्बत का छबिली, जिसे मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता था जैसा, मैं उसे ब्याह करना चाहता था। मुझे क्या पता था कि जैसा वो कमीना उसे पैसों का लालच देकर अपने जाल में फंसा लेगा, और कोई प्रेमी अपनी आंखों के सामने अपनी प्रेमिका को दूसरे की बाहों में देखे तो क्या बर्दाश्त कर पाएगा। नहीं जैसा, नहीं, ऐसा ही मैंने किया। जैसा एक सच्चे प्रेमी को जो करना चाहिए वही मैं मैं बौखला गया जैसा। सामने ठाकुर को छबिली की सास ने नलिया बनाते हुए देखा तो मेरा 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 खून खौल उठा जैसा। मैं ठाकुर को मारने के लिए दौड़ा, पर मैं बेचारा क्या कर सकता था जैसा। उस वक्त ठाकुर ने मुझ पर वार कर मुझे घायल कर दिया और मुझे मरा हुआ समझकर जंगल में फेंकवा दिया। जैसा वो मनहूस रात मुझे आज भी याद है, जब मैं बालकिन की सेवा कर रहा था, मुझे जोरों की नींद आ रही थी। बालकिन ने मुझे आराम करने के लिए कहा और गांव जाने की इजाजत दे दी और कहा कि मैं छबिले को उनके पास भेज दूं। मैं छबिले को बताने के लिए जा रहा था कि मालकिन तुझे बुला रही है और मैं सुबह की गाड़ी से गांव जा रहा हूँ, तो इन्हीं ख्यालों में मैं हॉल की तरफ आ रहा था कि अचानक मुझे किसी की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं सोचने लगा इतनी रात गए कौन बातें कर रहा है। पहले तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, फिर मुझे लगा कि ये आवाजें तो ठाकुर साहब के कमरे से आ रही हैं। फिर मैं चिपके ठाकुर साहब के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि आवाज तो ऊपर की तरफ से आ रही है। फिर मैं ऊपर जाने लगा, लेकिन फिर अचानक लगा कि आवाज तो ठाकुर के कमरे के नीचे से आ रही है। तो मैं नीचे वाले कमरे की तरफ वापस बढ़ा और जैसे ही मैं कमरे की तरफ बढ़ा, मुझे आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। ठाकुर साहब और छबिली हंस रहे थे। मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को ठाकुर और छबिली एक कमरे में। मैं अपने आप को रोक न सका और दरवाजे को लात मारकर अंदर घुस गया। ठाकुर मुझे देखकर बौखला गया। उसने मुझ पर गोली चला दी। मैं गिर पड़ा जैसा। उसकी नजर में मैं मर चुका था। उसने मुझे जंगल में फेंकवा दिया जैसा। जब मुझे होश आया तो मैं खून में लथपथ था। भगवान की दया से मैं बच गया था जैसा। मैं फिर अपने गांव में जाकर अपने दोस्त के घर चला गया और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया जैसा, तब मैंने कसम खाई कि अपनी इस बर्बादी का बदला ठाकुर से जरूर लूंगा। मेरा तो सब कुछ लूट चुका था जैसा। मैं बर्बाद हो चुका था, लेकिन मैं ठाकुर को चैन की नींद नहीं सोने देना चाहता था। इसलिए मैंने जैसा उस मखोटे का सहारा लिया और जैसा जब मैं भेष बदल कर हवेली में दाखिल हुआ तो मुझे मालकिन ने देख लिया और डर से उनकी मौत हो गई जैसा। मैं मालकिन को नहीं मारना चाहता था, वो तो खुद ही मर गए जैसा। वो तो हमारे लिए देवी थी, देवी, उसका मुझे दुख है जैसा। मैं कई दिनों तक छुप कर हवेली में आता रहा। एक दिन मैंने देखा कि छबिली पंठर कर कहीं बाहर जा रही है जैसा। तो मैंने छबिली का पीछा किया जैसा। मैं छबिली को भी नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया था जैसा। मेरे प्यार के साथ धोखा किया था जो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं था जैसा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने छबिली को अकेले में पकड़ा और पकड़ते ही मैंने उसके पेट में छुरा घोंप दिया जैसा। वो मर गई और मैं उसकी लाश को उठाकर जंगल में ले गया, एक गंदे नाले के पास दफन कर दिया जैसा। कुछ दिनों के बाद ठाकुर को मारने की गरज से मैं हवेली में आ रहा था कि मैंने देखा एक लड़का रानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। रानी उससे छुड़ाकर भाग रही है, वो उसका पीछा कर रहा है। जिस रानी को मैंने अपनी गोद में खिलाया था जैसा, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि जैसा कि कोई उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। मैंने उस लड़के को पकड़ा और उसका गला दबाकर उसे वहीं पर मार डाला जैसा। हाँ, मैंने उसे मार डाला जैसा। अगर किसी की इज्जत बचाना जुर्म है तो मैं कातिल हूँ, और अपनी बेइज्जती का बदला लेना जुर्म है तो मैं गुनहगार हूँ। बस मेरा यही गुनाह है जैसा। मेरी दुख भरी दास्तान सुनने के बाद अगर आप कहेंगे
कि मैं गुनहगार हूं जज साहब, तो मैं मेरी नजरों में मैं गुनहगार नहीं हूं जज साहब। मुझसे पहले गुनहगार है वो लोग जो हमारी गरीबी का फायदा, हमारी इज्जत लूटते हैं, हम गरीबों की खुशियां छीनते हैं जज साहब। अगर इस अदालत ने मुझ जैसे गरीब को सजा देने की ठान ली है, याद रखिए जज साहब, एक दिन ऐसा आएगा जज साहब जब हर गली हर नुक्कड़ पर एक अपराधी खड़ा होगा जज साहब। हर जैसे 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 आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जज साहब, सबसे पहले सजा उनको दीजिए जो समाज के दुश्मन है जज साहब। हम जैसे भोले भाले लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं जज साहब, और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, सबसे पहले सजा उनको दीजिए जज साहब जो हमें अपराधी बनने पर मजबूर करते हैं। सबसे पहले सजा उन्हें दी जानी चाहिए जो मुझे से भोले भाले गरीब इंसान को अपराध करने पर मजबूर करते हैं जज साहब। ये इंसान का जो दिमाग है ना, ये सबसे बड़ा शैतान है, सबसे बड़ा शैतान। बस जज साहब, मुझे अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहना, जैसी अदालत की मर्जी। ऑर्डर ऑर्डर। वकीलों की दलीलें और मुलजिम छबीला की सफाई सुनने के बाद अदालत आज इस नतीजे पर पहुंची है, कानून के सामने कोई भी मुजरिम छोटा बड़ा नहीं होता, मुजरिम आखिर मुजरिम होता है। यह अदालत ठाकुर गजेंद्र को हिरासत में लेने का हुक्म देती है, क्योंकि मुलजिम छबीला ने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया है, इसलिए ये अदालत छबीला के साथ नरमी का रुख अख्तियार करते हुए और उसे कैदे बामशक्कत 5 साल की सजा सुनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब।